आपने किस सरकारी स्कूल से अपनी तालीम हासिल की? मैंने ज़िला परिषद उर्दू स्कूल, जो कि कुरहाड़ देहात में वाक़ है, वहाँ से अपनी प्राइमरी स्कूल मुकम्मल की। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में एक वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी क्वालिटी के टीचर अभी भी मौजूद हैं। जब मैं पढ़ाई करता था, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे टीचर्स बहुत ही एक्सपर्ट और अपने सब्जेक्ट में माहिर थे और बहुत दिलचस्पी के साथ हमें पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट की तरफ और एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ की तरफ बांध के रखते थे। और मुझे ये भी महसूस होता है कि सरकारी स्कूलों के बारे में आज हमारा जो नज़रिया है, जो हम लोग प्रीजुडाइज माइंड के साथ अक्सर अपने बच्चों को एडमिशन के लिए कतराते हैं, उस चीज़ में कहीं ना कहीं पे हम लोग ज़्यादती करते हैं। सरकारी स्कूलें आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि प्राइवेट स्कूलें हैं। बेहतरीन टीचर गवर्नमेंट हम लोगों के बच्चों के लिए फराहम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, क्लासरूम, टीचिंग एड्स और मटेरियल काफ़ी अच्छी अच्छी मकदार में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है कि हमें सरकारी स्कूलों पर ना सिर्फ भरोसा किया जाए, बल्कि हमने अपना इंट्रैक्शन, अपना इन्वॉल्वमेंट सरकारी स्कूलों के टीचर के साथ बढ़ाना चाहिए। आज ये बोथ साइड अप्रोच होना चाहिए, ना सिर्फ हमने अपना इंट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए, बल्कि सरकारी स्कूल के असातज़ा टीचर्स, उन्होंने भी आगे आकर पेरेंट्स में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए, एक एतमाद पैदा करना चाहिए कि आपके बच्चे हमारे पास सरकारी स्कूलों में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे सेफ हैंड में हैं। और बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स लेकर, पेरेंट टीचर मीटिंग्स लेकर अपडेट्स देनी चाहिए और पेरेंट्स ने जहाँ उन्हें लगता है कि कहीं पर प्रोग्रेस कम हो रहा है, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आगे आकर पेरेंट्स ने खुले दिल के साथ, ओपन माइंड के साथ टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए। इस तरीके से म्यूचुअली बोथ वेज मुझे लगता है हम लोग सरकारी स्कूल के साथ ना सिर्फ इंसाफ कर पाएंगे, बल्कि अपने बच्चों को लो कॉस्ट एजुकेशन देने का सरकार की जो पॉलिसी है उसके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के हेड में बहुत बड़ा बजट अलोकेट करती है और आज उर्दू स्कूलों को लेकर जिस तरीके से बजट में कटौती की जा रही है, ये हमसे छुपी नहीं है। मुझे लगता है एक बार फिर हमने सरकारी स्कूलों में कॉन्फिडेंस दिखाकर, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि सरकारी स्कूलें ज़िंदा कर रखना है, बल्कि हमें और ज़्यादा तादाद में सरकारी स्कूलों की डिमांड करके अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एजुकेशन को लेकर जो खर्च हमारी कौम के ऊपर आता है, वो कम से कम खर्च में एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हमें मिले और वो रकम हम बाकी किसी और जगह खर्च कर सकते हैं।